मोस्ट अवेटेड सीरीज थी ये, और काफी लोगों को उम्मीदें थी कि ये जो सीरीज है बहुत अच्छी जाएगी। खैर उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे कि अच्छी गई या बुरी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे द फैमिली मैन सीजन 2 वेब सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 9 एपिसोड है और आप इसे अमेजोन के OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसके जो इसके डायरेक्टर और इसके जो कास्ट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले। तो हम चर्चा करेंगे सीधा इसकी स्टोरी के ऊपर। देखो एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो तमिल में द फैमिली मैन सीजन 2 का विरोध बायकॉट किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर LTTE ये जो नॉर्थ साइड में जिसको लिट्टे जो प्रोनंसिएट किया जाता है कि यहां पर लिट्टे और ISI का इन्होंने लिंक क्रिएट करके दिखाया है कि लिट्टे और ISI दोनों मिलकर भारत पर अटैक कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। लिट्टे जो है वो अपने तमिल लोगों के लिए श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए एक स्वतंत्र देश की मांग कर रही है, उसको भारत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने धक्के से यहां पर लिंक करके दिया है जिसके चलते तमिल लोगों के जो सेंटिमेंट हर्ट हो गए थे और उन्होंने ये हैशटैग वहां पर चलाया था, ट्विटर के ऊपर ये हैशटैग चला था। और इस सीरीज के अंदर वैसे LTTE का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन अगर आप इसकी शुरुआत देखेंगे, इसका फर्स्ट एपिसोड जैसी शुरुआत होती है तो श्रीलंका के नॉर्थ साइड से ही होती है और वहीं पर नॉर्थ में ही ज्यादातर तमिल लोग रहा करते थे। तो नॉर्थ साइड से स्टार्ट होना तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इन्होंने LTTE की ही चीज को वहां पे लिया, बस नाम नहीं लिया, यहां पर इन्होंने तमिल रेबल कह दिया है। अब यहां पर ये जो तमिल रेबल है अपनी एक आर्मी बनाकर रह रहे हैं, अपने तमिल लोगों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनको अपने अधिकार दिलाने हैं। जैसा मैंने कहा था कि इनके अधिकार, वैसे इन्होंने हिपास्ट नहीं दिखाया कि कैसे इनके ऊपर दबाया गया, इन्होंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है कि तमिल जो लोग हैं उनको कैसे इन्होंने टॉर्चर किया है श्रीलंका वालों ने। तो इसके चलते यहां पर ये अपनी एक आर्मी बना रहे हैं अपने स्वतंत्र एक देश के लिए, लेकिन श्रीलंका की आर्मी यहां पर अटैक कर देती है, जिसके चलते तो तमिल जो रेबल है, ये तमिल ऑर्गेनाइजेशन है श्रीलंका में इन्होंने बना रखे हैं, तो इसके जो तीन प्रमुख जो लोग हैं वो भारत में आ जाते हैं। अब भारत में आने के बाद जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो भारत की सरकार से बात करती है कि आप इन तीनों में से एक भारत में होता है यहां पर, बाकी दो जो हैं वो लंदन में होते हैं, जो एक होता है जिसका नाम होता है सुबू वो चेन्नई में होता है। 10 साल भी जाते हैं इस बात को, 10 साल बाद ये चीजें होती हैं, वो कन्वर्सेशन में चल रही होती हैं और भारत सरकार भी श्रीलंका गवर्नमेंट की बातें मान लेती है। वो इस तौर पे कि भैया आप हमें अनुमति देंगे कि श्रीलंका में एक पोर्ट डेवलप कर पाए ताकि हम चाइना को काउंटर कर पाए। देखो ये चीजें मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे से समझ पाए कि भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार की बात क्यों मानी। देखा जाए तो भारत सरकार एक स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है, वो ये चाहती है कि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं क्योंकि वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर, तो इसलिए ये एक पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर दिखाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ इन्होंने ये जो चीज दिखाई है कि भारत जो अपनी सेफ्टी को लेके चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर बात कर रहा है। जो ये तमिल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ये तीन व्यक्ति मैंने बताए, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुब्बू है वो भारत के चेन्नई में है, तो चेन्नई में इसको पकड़ने के लिए प्लानिंग की जाती है और इसको पकड़ भी लिया जाता है। वैसे ये भाई होते हैं जो तमिल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी, इसका जो चीफ होता है जिसमें इसको प्राइम मिनिस्टर कहा गया है, उसका भाई होता है, छोटा भाई होता है, और जब इसको पकड़ लिया जाता है तो इसको जब कोर्ट लेके जा रहे होते हैं, चेन्नई में ही कोर्ट में लेके जा रहे होते हैं, तो इसका कत्ल कर दिया जाता है। अब कत्ल करने के बाद यहां पर एक जो एंगल यहां निकल कर आया है कि जो लंदन में इसका भाई होता है जो प्राइम मिनिस्टर तमिल के, जो प्राइम मिनिस्टर में बोला गया है वो लंदन में होते हैं, दो जो लोग होते हैं। अब यहां पर लंदन में एक जो द फैमिली मैन सीजन 1 में जो मेजर समीर हुआ करता था वो भी इस सीरीज के अंदर है। अब स्पॉइलर नहीं है, आप लोगों को थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन है ताकि थोड़ी सी आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो मेजर समीर यहां पर जो तमिल के जो लीडर हैं या फिर तमिल के जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर बोला गया है वो इनसे जाकर मिलते हैं और ये दोनों मिलकर एक अटैक प्लान करते हैं भारत के ऊपर। अब ये जो अटैक क्या होता है, इसको कैसे रोका जाएगा, इसको रोकने के लिए टास्क को लगाया जाता है, ये सारी चीजों के लिए तो देखो आप लोगों को ये सीरीज देखनी पड़ेगी। देखो जो सुबू है जिसकी डेथ हुई है इस सीरीज के अंदर दिखाया नहीं गया कि किसने किया, लेकिन अब जब सीरीज को देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, श्रीलंका की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो एक ही शख्स बचता है मेजर समीर। तो ये वाली जो चीज है यहां पर प्रेडिक्टेबल हो जाती है, जिसके चलते स्टोरी भी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। अब बात करते हैं कि सीरीज कितनी अच्छी और कितनी बुरी। सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात करूं तो नथिंग सीरियस यार, जो स्टोरी है काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। जो फर्स्ट एपिसोड देखा था इट्स क्वाइट सीरियस यार, इंटेंस है, काफी ज्यादा जबरदस्त है। इवन जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तो मेरा मन किया कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं और बताऊं कि यार फर्स्ट एपिसोड बहुत बढ़िया गया है और यानी ये सीरीज भी बहुत अच्छी जाने वाली है। देन आई डिसाइडेड कि यार थोड़ा बहुत वेट करता हूं और इस पूरी सीरीज को देख लेता हूं, फिर एक साथ रिव्यू कर दूंगा। लेकिन जैसे ही जब इसका सेकंड एपिसोड पे मैं गया तो जो हाइप क्रिएट हुई थी फर्स्ट एपिसोड के अंदर वो धड़ाम से नीचे आके गिरती है
और ये जो कहानी जो चलती है यार बहुत ज़्यादा एवरेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे समीर, जो मेजर समीर है पाकिस्तान का, जो आर्मी का मेजर समीर था, वो इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। तो जैसा उसका यहाँ पर रूप दिखाया गया है, रिप्रेजेंटेशन जो इसके अंदर थी वो सीरियस नहीं थी यार, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। लंदन में ऐसे घूम रहा है, भारत पर अटैक करने का जो प्लान बना रहा है, बट वो देख कर लग ही नहीं रहा कि सीरियसली वो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग करेक्टर मुझे लगा। फिर उसके बाद जो मुझे डिसअपॉइंटिंग करेक्टर लगा तमिल का जो चीफ है, इसके बारे में लगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखो तो जो तमिल लोग हैं वो अपनी मूवमेंट के लिए 30 सालों से वो ये मूवमेंट चला रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए एक अलग से अपना एक देश मिल जाए। बहुत से देशों में वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, इवन भारत सरकार से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको वो स्ट्रेटेजिकली आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन एट द पॉइंट जब यहां पर जो तमिल का जो चीफ है यहां पर या तमिल प्राइम मिनिस्टर जिसमें है, तो उनके जब भाई की डेथ होती है, तो ये सारा जो मूवमेंट अपने देश को एक अलग देश बनाने के लिए था, वो एकदम से डाइवर्ट होकर अपने भाई का बदला लेने के लिए लग जाते हैं वहां पर। अब ये जो चीज मुझे देखने को मिली यार, वो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग की कि आप एक चीज सपोज करो, इसमें जो आइडियोलॉजी जो दिखाई गई है LTTE के से दिखाई गई है, वहां पर अगर आप LTTE के बारे में पढ़ो तो आपको पता चलेगा उनकी आइडियोलॉजी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये जो चीफ है वो ये तो है नहीं कि उनका भाई जो है वो मर गया है तो उतना गुस्सा आ गया है कि अब वो अपने मूवमेंट को कहीं और मोड़ देंगे। इवन उन्होंने तो अपने परिवार को खोया है इस मूवमेंट के चलते। तो मुझे नहीं लगता था कि इसका इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए था कि ये अपना मूवमेंट एकदम से बदल दे। तो जो ये चीज मैंने देखी तो ये लगा कि यार बहुत जल्दी यार स्विच हो गए, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो गए, यानी इनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो गया। जब मेजर समीर मिले, जब इनकी डेथ हुई, तो बड़ी आसानी से इन्होंने हाथ मिला लिया और अटैक करने के लिए तैयार हो गए। ये जो चीज मैंने देखी काफी ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटिंग, यार ऐसा नहीं हो सकता यार, थोड़े बहुत तो उस मूवमेंट को इज्जत हो ना। तो 30 साल से चल रहा है, जो शुरुआत हुई थी सीरीज की एकदम बढ़िया सीरियस था एपिसोड, फिर उसके बाद जैसे जो सीरियस था वो गायब ही हो गया, मूवमेंट कहीं और चल रहा था, किसी और डायरेक्शन में हो गया। और जो मेजर समीर है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार जैसा वो वहां पर दिखाया गया बहुत ज्यादा फेक है, फोन के ऊपर ही चीजें चल रही हैं, प्लान किया जा रहा है कि भैया अटैक कैसे होगा। और इवन भारत सरकार को पता है कि ये जो मेजर समीर है, जो तमिल के जो चीफ हैं, इनको इनके साथ इन दोनों के सांठ गांठ है। इवन भारत सरकार को पता होते हुए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके लिए, ये बहुत खुले हमें लंदन में घूम रहा है, अटैक प्लान हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ मुझे लगी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाई कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप फर्स्ट सीजन को देखो, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लॉजिकल लगती हैं। और फिर इन दोनों के करेक्टर के बाद जो तीसरा जो मुझे जो डिसअपॉइंटिंग करता है वो है भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यार, जो मैंने वहां पर देखा वो इतना ज्यादा निराशाजनक था कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार भारत के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं वहां पे। इतने इमैच्योर तरीके से डिसीजन, इतने इमैच्योर तरीके से कन्वर्सेशन वहां हो रही है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग करेक्टर जो मुझे प्राइम मिनिस्टर का लगा इसमें। और इस स्टोरी के साथ साथ श्रीकांत की भी लाइफ दिखाई जाती है कि वो अब जो है अपनी टास्क की जॉब छोड़ चुके हैं, क्योंकि उससे वो बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, उनसे बहुत ज्यादा ये चीजें देखी नहीं जा रही थी। तो वो एक IT कंपनी में काम करने लग जाते हैं, 9 से 5 की कंपनी में काम करने लग जाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देने लग जाते हैं। लेकिन वही होता है ना कि एक पति पत्नी के बीच में अनबन हो चुकी है, उनके बीच में बात नहीं होती है, बहुत कम हो चुकी है, अब दूरियां बढ़ चुकी हैं, बच्चे अपने बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम जो चलती हैं वो चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं जो जेन्युइन लगती है। और जो श्रीकांत के जो डायलॉग है, इवन मैं कहूँ कि जो मनोज वाजपेयी सर के जो डायलॉग हैं वो कमाल के, इवन जो स्क्रीन पर आते हैं यार आप देखोगे तो आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी। जो उन्होंने इतनी सीरियस सिचुएशन में जो डायलॉग बोले हैं ना, कमाल के हैं। JK और श्रीकांत के आपस की जो बॉन्डिंग इसके अंदर दिखाई गई है वो बहुत कमाल की है। इवन जो ये दोनों जो बातें करते हैं, वो वाला सीन जब आप देखोगे यार, वो तो देखते ही रह जाओगे, इतना बढ़िया लगता है। इन दोनों की जो कन्वर्सेशन होती है जो सीरियस सिचुएशन के अंदर, इवन जब JK जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, तो वो जो वो बात बोलता है, जो डायलॉग बोलता है यार, जो मतलब चीज बोली ना, दिल जीत ली उस इंसान ने वहां पर, जिस तरीके का वहां पर जो बिहेवियर किया गया बहुत बढ़िया था। और यहां पर जैसे सिचुएशन के अंदर जितनी सीरियस सिचुएशन है वहां पर इन दोनों के द्वारा जैसे गाली निकाली जाती है, देखो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में कहता आया हूं कि मैं कोई विरोधी नहीं हूं इन सब चीजों का कि आप ये वाली लैंग्वेज यूज मत करिए, बेशक करिए, लेकिन उसका सही से यूज किया जाए ना। तो जो यूज सही है वो इस सीरीज के अंदर है,
बहुत बढ़िया लगता है कि एक टाइम आता है उसका ये बात बोलना अब यहां पर जस्टिफाई कर देता है, और ऐसा ही होता है कई जो होते हैं वो सिर्फ गाली के बेस पे सीरीज चलाते रहते हैं, लेकिन ये वाली वो चीज नहीं है इसके अंदर। आपको लगेगा हाँ यार ये वाला वर्ड यहां पर सही फिट बैठता है यार। और जो मनोज वाजपेयी सर की जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है यार, वो तो सोने पर सुहागे वाली बात है। मतलब आप कहानी के साथ डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, आपको लगेगा यार कहानी में इतना दम नहीं है, लेकिन वो जो डिसअपॉइंटिंग वाली जो चीजें हैं वो उसकी जो कमी है वो मनोज वाजपेयी सर की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं भर देती है। अब क्योंकि यार इतनी जबरदस्त उनके चेहरे को आप देखो ना, इतने बढ़िया उन्होंने एक्सप्रेशन दिए। और एक जो करेक्टर है इसके अंदर राजी नाम का करेक्टर जिसे प्ले किया समानता ने, बहुत बढ़िया है। इतना सीरियस जो वो डायलॉग बोलती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो उन्होंने डायलॉग बोले, बहुत बढ़िया लगा। उनका फेस एक्सप्रेशन देखो यार, यानी वो कितनी ज्यादा सीरियस है अपने तमिल लोगों के लिए, अपनी अपनी जमीन के लिए कितनी ज्यादा सीरियस है, वो मरने को तैयार। और ये फेस पर देखकर बहुत साफ साफ पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन मैंने कहा ना, जो मूवमेंट था वो अपने अपने वतन के लिए था, ये जो चला रहे थे वो अपने देश के लिए चला रहे थे कि अपने लिए एक देश बनाएंगे। लेकिन एट द एंड होता क्या है, वो मर्डर का बदला लेने लग जाते हैं, वो मूवमेंट की दिशा ही बदल जाती है। तो लगता है कि यार राजी नाम का जो करेक्टर वो वेस्ट ही चला गया। अब इस सीरीज का कंपेयर करूं इसके फर्स्ट सीजन के साथ, बेशक करना बनता है। देखो फर्स्ट सीजन ने जो लेवल क्रिएट किया था, हाई लेवल क्रिएट किया था, जिसका वेट हम सेकेंड सीजन में कर रहे थे कि बहुत बढ़िया जाए, उस लेवल तक ये नहीं पहुंच पाई। मे भी क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी इस सीरीज को लेकर, इतना ज्यादा हम वेट कर रहे थे। मैंने कहा मोस्ट अवेटेड सीरीज थी ये, तो लेकिन उतनी एक्सपेक्टेशंस या उतना लेवल ये क्रिएट नहीं कर पाई जो तो सीजन वन के अंदर उन्होंने किया था। स्टोरी आपको निराश करेगी क्योंकि इतनी प्रिडिक्टेबल स्टोरी है, कुछ आपको डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा, कोई सस्पेंस नहीं है। सीरियसली इस सीरीज के अंदर आपको कोई भी सस्पेंस नहीं देखने को मिलेगा, और आप पहचान जाएंगे कि यार आगे क्या होने वाला है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगी आपकी सांसें रुक जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आसानी से पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, चुम्मेश्वर लेवल की परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ कॉमेडी भी इसके अंदर डाली गई, और भरपूर कॉमेडी है। डायलॉग जो इसमें डिलीवरी की गई है वो है यार क्या बताऊं, उसके बारे में तो शब्द नहीं है उसके लिए। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी है, आप फैन है मनोज वाजपेयी सर के, आपने सीजन 1 देख रखा तो आपसे रोका नहीं जा रहा सीजन 2 के लिए, तो बेशक आप लोग ये सीरीज देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।